अब डब्ल्यू पे आते हैं, के डब्ल्यू क्या है? अब पी ओ डब्ल्यू हम थर्ड स्टेज पे आ गए हैं कि अब हमने ऑर्गेनाइज कर लिया उसको, उस आउटलाइन को, अब हमने लिखना स्टार्ट करना है. अब आपके पास एक फुल आउटलाइन होनी चाहिए जो कि वेल स्ट्रक्चर्ड हो, जो कि उसका फ्लो ठीक हो, वो सारी चीजें अब आपके पास हैं. आपके पास एक रफ चार्ट बना हुआ है, वो एक आउटलाइन बनी हुई है. अब आपने उसको फुल सेंटेंसेस में कन्वर्ट करना है. अब आपको ये नहीं होगा कि अब आप जैसे अगर आपने ये सारी चीजें पी और ओ को हटा के डब्ल्यू करने की कोशिश की है, राइट, मतलब आप लिखने लगे हो आप, तो इसमें ये होता है कि अगर आप बगैर आइडियाज ये लिखना शुरू करोगे ना, तो आपको समझ नहीं आएगी कि आप कौन सी चीज पहले लिख रहे हो, कौन सी बाद में लिख रहे हो, कौन सी पहले होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, और ये वाली चीज इसमें इसका तो ताल्लुक ही नहीं है. फिर आप ये चीज बहुत मिक्सअप कर दोगे. ठीक है, तो आपने सबसे पहले उन दोनों स्टेजेस को करके फॉलो देना. आप इस चीज पे आ रहे हो, अब आपने लिखना शुरू करना है, वो आपके पास एक आउटलाइन. अब आपने सिर्फ ये करना है कि आपने उसको एक फुल सेंटेंसेस में लिख के उसको एक चीज बनानी, लाइक आपके पास ये सारी चीजें हो गई. ठीक है, अब आपने क्या किया, अब ये मैंने वो लेटर खोल लिया है कि जिसमें इस लेटर में मुझे ये सारी चीजें अब कैसे लिखनी है. ये मैंने जस्ट आइडियाज लिखे हैं, उन आइडियाज में से फजूल फालतू चीजें निकाल दी हैं. जी अमरीन न्याज, बिल्कुल. अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया है कि बस आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिसमें आपको बाद में लिखने में आसानी रहे, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कंफ्यूजन ना हो, जब जब भी आप लिखने की कोशिश कर रहे हो. ठीक है, अब मैंने वो लेटर खोल लिया, मुझे इसको लिखना है. तो मैंने अब सबसे पहले बॉस का नाम लिख दिया है कि भाई डियर माइक, इस तरह से सीन है कि मैं कार्ला से मेरी मुलाकात हुई है और हम लोगों ने आज ये चीजें डिस्कस की हैं. अब मैंने वो पहली चीज लिखनी शुरू कर दी है. जी रोजीना, जो शॉर्ट होती हैं लाइंस वो ज्यादा बेटर रहती हैं, बहुत लंबी लंबी लाइनों से बहुत अच्छी रहती हैं. शॉर्ट पैराग्राफ, शॉर्ट लाइंस, ये बहुत अच्छी रहती है. लाइक ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ये चीज किस तरह से मतलब कोई भी चीज आपने लिखी है वो कैसे कैची रहेगी किसी भी बंदे जो भी वो पढ़ रहा है. ठीक है, उसमें काफी सारी चीजें आ जाती हैं. उसके बाद ऐसा है कि मैंने ये लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया कि मैं कार्ला से, पहले मैंने सिर्फ ये लिखा था कि कार्ला प्लानी कंपनी से आई है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डाला था कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की बात आई थी. ठीक है, अब मैंने ये पूरा उसको लिख लिया है कि कार्ला से मुलाकात हुई है और उसने कहा है कि भाई उसको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना है, लेकिन ऐसा है कि उसको लॉयल्टी डिस्काउंट भी चाहिए. अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने यहाँ पर कोई भी उस चीज को नहीं देखा, कि मैंने सिर्फ उसको जो मेरे माइंड में उसको पढ़ के आ रहा था मैंने उसे लिखा है. मैंने उसके ग्रामेटिकल एरर्स ठीक नहीं किए, मैंने उसकी और भी लाइक जैसे आप देख लें यहाँ पर बर्ड आर लुक, उसमें वो आर की मिस्टेक आ रही है, आई कुडंट के आगे वो एपोस्ट्रोफी की मिस्टेक आ रही है. मैंने ये सारी चीजें मिस्टेक्स यहाँ पे रहने दिए हैं, मैंने सिर्फ उसे लिखा है. अभी मैंने ये काम नहीं करना कि मैं यहीं से, हम लोग करते क्या, हम लोग जब लिख रहे होते हैं ना तो हम लिखते लिखते पीछे जाते हैं, एरर्स को ठीक करते हैं, फिर आगे लिखना स्टार्ट करते हैं. ये चीज नहीं करनी, इससे ये होता है कि आपका वो फ्लो टूट जाता है और आप फिर आपके माइंड में जो चीज ज्यादा अच्छी आनी होती है वो नहीं आती, क्योंकि आपने बीच में जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम किया है. ठीक है, अब आपने करना क्या है कि अब बिल्कुल इस स्टेज पे जो अभी हम राइट के स्टेज पे है, इस स्टेज पे आप लोगों ने बिल्कुल भी एरर्स वगैरह को नहीं देखना. इस स्टेज पे आप लोगों ने इस तरह से नहीं करना कि आपने लाइक अभी आप उन एरर्स को भी जाके ठीक करो और अपने सेंटेंसेस को भी जाके ठीक करो, ये चीज अभी नहीं करनी. अभी जो आपके माइंड में आ रहा है आपने वो लिखते जाना है. अब मैंने ये सारी चीजें लिख दी हैं कि भाई वो कह रही है कि वो कॉल नहीं ले सकती और वो बाद में आपसे बात करेगी, और उसके बाद उससे अब उसको फीडबैक भी है कि वो बहुत खुश है, हमारे जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स है हम उसे करते रहते हैं उस चीज से वो बहुत खुश है. और मैं ये मार्क को बता दूंगा ये बात, क्योंकि वो ये सारी चीजें हैंडल करता है. ठीक है, और उसने कहा है कि भाई उसको फोन सपोर्ट चाहिए क्योंकि वो इस चीज से खुश नहीं. अब मैंने पहले ये चीज बताई है कि वो किस चीज से खुश है, वो इस चीज से खुश है कि उसको अपडेट्स मिल रही है. ठीक है, और अब इस चीज से खुश नहीं है कि उसको सपोर्ट नहीं मिल रही वहां से. लाइक अगर हमें एक बंदे को इंस्टेंट उसकी कॉल पिक करके, जब भी वो हमसे कॉन्टेक्ट करे, कॉल पिक करके उसको जो भी देना है, फीडबैक देना है, उसको उसकी हेल्प करनी है, जो भी चाहिए हो, तो वो उसको फौरन इंस्टेंटली मिलनी चाहिए, लेकिन उसको नहीं मिली क्योंकि उसको 10 मिनट इंतजार करना पड़ा, उसने ऐसा कहा. ठीक है, और मैंने उसे कहा कि भाई मैं इस चीज पे जो है आपकी, ये मैंने नोट कर लिया ये बात, तो मैं इस पे बॉस को बताऊंगा और फिर नेक्स्ट टाइम जो है ये बात नहीं होगी. ठीक है, अब मैंने फर्स्ट पैराग्राफ को इस तरह से लिख दिया, सेकंड को मैंने उसमें ये लिख दिया कि किस चीज से वो खुश है, किस चीज से वो खुश नहीं है. थर्ड पैराग्राफ में
ये कहा है कि भाई उसने ये कहा है कि भाई वो एक न्यू सॉफ्टवेयर वो स्टॉक मार्केट एनालिसिस के लिए उसको चाहिए, और वो कह रही है कि अगर उसके साथ मीटिंग अगर आप लोग अरेंज कर लें तो ज्यादा बात है। फिर एंड पे मैंने उसको एंड कर दिया, ठीक है। अब ये आप देखें कि तीनों पैराग्राफ हैं, तीनों पैराग्राफ का एक एक टॉपिक होगा। सबसे पहले कि उसको क्या क्या चीज, मतलब उसको डिस्काउंट चाहिए, वो सबसे पहले मैंने वो चीज लिखी है जो सबसे, वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। लाइक उसने उसको जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ उसका चल रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट को वो रिन्यू कराना चाहती है। सेकेंडली कि वो किस चीज से खुश है, किस चीज से नहीं खुश है। थर्ड ये कि वो और क्या उसको चीज चाहिए, जो एंड पे आती है, ठीक है। अब राइट में हमारे पास ये आ गया कि हमने इस स्टेज पे, ये है कि इस स्टेज पे आपको कोई भी, अगर आपने वो आउटलाइन तैयार भी की है, उसको लिखने के लिए आपने और भी चीजें बीच में डाली हैं, तो उसमें उस स्टेज में, इस स्टेज में आके आप बहुत सी चीजें हटा भी सकते हो, बहुत सी चीजें ऐड भी कर सकते हो। लाइक अगर आपको ये आइडिया लग रहा है कि ये आइडिया ठीक नहीं है, ये आइडिया ठीक होगा, अभी मैं लिख रहा हूँ तो मुझे ये चीज समझ आ रही है कि ये वाली चीज ठीक नहीं है, ये वाली चीज ठीक है, तो इस चीज में आप उन चीजों को, न्यू चीजें ऐड भी कर सकते हो और जो पुरानी आपने आउटलाइन तैयार किया उसमें से बहुत सी चीजें हटा भी सकते हो, ठीक है। इस राइट की स्टेज पे आके आप पीओ पावर पेयर और ऑर्गेनाइज वाली चीजों दोनों को लेके साथ चल सकते हो, ठीक है। मेन मेन हेडिंग्स बना के देन एक्सप्लेन करें। तलहा मकबूल, ये लेटर की बात हो रही है ना। अब अगर आप वो ऐसे लिखने लगोगे तो उसमें आप हेडिंग्स बनाओगे, फिर उसके बाद उसके लाइक सब हेडिंग्स बना सकते हो, उसके बाद उसके बुलेट्स बना सकते हो, ठीक है। वो मतलब कैची हो जाता है, लाइक अगर कोई पढ़ेगा देखेगा उसे तो वो अगर हेडिंग्स में लिखा हुआ है ना तो उसे अच्छा लगेगा। मैं दोनों चीजों को साथ लेके इसलिए चल रही हूँ कि जैसे एसए में भी आपको पता चल जाए किस तरह से काम करना है, और अगर आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो वो आपको किस तरह से लिखना है। ये फॉर्मूला यूज करते हुए दो चीजें मैं इसलिए साथ लेके चल रही हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये पावर फॉर्मूला आप हर चीज में कैसे यूज कर सकते हो। अब ऐसे वाली बात है कि ऐसे हमने लिखा था, उसमें हमने हेडिंग्स ही डाली हुई थी मेन, और उसके बाद फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया हुआ था फर्दर, ठीक है। अब इस टाइम पे आपने पैराग्राफ को, आपने ये नहीं सोचना कि भाई मैं ये लिख रहा हूँ तो ये पैराग्राफ मैं कितने डालूं। अब आपने शुरू में लिखने से पहले सोच लिया है कि मुझे चार पैराग्राफ बनाने चाहिए, तीन पैराग्राफ बनाने चाहिए, ये चीज आपने नहीं करनी। आपने फ्लो में लिखना, लिखते जाना है। लाइक अगर आप एक पैराग्राफ लेते हो ना उसको आप लाइक 4 to 5 lines में कर देते हो तो वो सही रहता है, जबकि अगर आप बहुत लंबा, आपने एक समझे कि आप 20 lines का पैराग्राफ डाल दिया तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आप शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ रखें, हर पैराग्राफ का एक अलग से टॉपिक रखें, या अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो आपने एक मेन टॉपिक डाला हुआ है, जैसे वो एक्सरसाइज वाला था उसमें आपने सबसे पहले डेंजर्स लिखा हुआ है, तो उसमें उस डेंजर्स में आपने जो भी चीजें डाली हुई है ना वो आपको समझ आ रही है कि आपने इस पूरी उस चीज को एक हेडिंग दी हुई है ऊपर डेंजर्स की। उसमें आप जितने भी पैराग्राफ करेंगे तो वो एक ही टॉपिक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने उस चीज को इस तरह से लेके चलना है, और कोई चीज लिख रहे हैं तो आपने उसको उस तरह से लेके चलना है, ठीक है। अब वो चीज डिपेंड करती है कि आपके पैराग्राफ कितने बनेंगे, कि आप क्या चीज जो है वो लिख रहे हो, ठीक है। आपके कितने पैराग्राफ बनेंगे, आपने उस इन्फॉर्मेशन के बारे में सोचें जो आप मतलब किसी भी रीडर को देना चाह रहे हो, आपका बॉस है, या आप किसी के लिए आर्टिकल लिख रहे हो, या आप कोई प्रोडक्ट रिव्यू लिख रहे हो, जो भी चीज है आपको उस हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन डालनी है अपने पैराग्राफ में, ठीक है। एक पैराग्राफ एक सिंगल यूनिट ऑफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, एक टॉपिक होना चाहिए एक पैराग्राफ में अगर आपका एक मेन हेडिंग आपने नहीं दी हुई। और उसके बाद ऐसा है कि पैराग्राफ्स आप कैसे अच्छे लिख सकते हैं, सबसे पहले आपने पैराग्राफ का टॉपिक डिसाइड कर दिया। अगर आप एक ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें ऐसा है कि आपने एक मेन हेडिंग दे दी है, उसके बाद उसके छोटे छोटे पैराग्राफ डाल दिए हैं, तो मीन्स कि आप उसी टॉपिक को फॉलो कर रहे हो, और टॉपिक आपने स्टार्ट में डालना है ताकि जो भी पढ़ने वाला है उसको समझ आ जाए कि भैया मैं इस पूरे पैराग्राफ में क्या चीज पढ़ने लगा हूँ, और फिर उसके बाद आपने साथ उसके रिलेटेड आइडियाज डाल देने हैं, ठीक है।